तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टूल एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले टेक्निक देख लेते हैं। मेथड दो टाइप की टेक्निक है, डायरेक्ट टेक्निक, कंसंट्रेशन टेक्निक। ठीक है, डायरेक्ट टेक्निक अपन नॉर्मल सेलाइन प्रिपरेशन से और आयोडीन प्रिपरेशन से करते हैं, और कंसंट्रेशन टेक्निक में दो टेक्निक आते हैं, सेडिमेंटेशन टेक्निक और फ्लोटेशन टेक्निक। ठीक है, सेडिमेंटेशन में भी दो प्रकार की हैं, सिंपल सेडिमेंटेशन, फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन टेक्निक। ठीक है, फ्लोटेशन टेक्निक में सॉल्ट फ्लोटेशन, जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये सब नाम नाम बता रहा हूँ, बाकी टेक्निक के बारे में वैसे पूछते नहीं हैं जनरली, पर अगर देखना हो तो ये देख लो। ठीक है, ये है सिंपल सेडिमेंटेशन टेक्निक, ये फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन, फिर ये फ्लोटेशन टेक्निक में दो, सॉल्ट फ्लोटेशन और जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन टेक्निक। ठीक है, ये सब टेक्निक के नाम बता रहा हूँ मैं, और फिर थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना खुद से। फिर अब वाइवा में क्या होता है प्रैक्टिकल में, ये एग की फोटोज़ रखी होती हैं और उसके अपन को डायग्राम बनाना होता है, लाइफ साइकिल अगर हो सकती बनाना है, लाइफ साइकिल अभी नहीं पूछ रहे हैं तो सिर्फ डायग्राम बनाना है एग का और उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एस्कैरिज से। एस्कैरिज में दो टाइप के एग होते हैं, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग रखा होगा तो उसका अपन को डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले कैसे होता है, राउंड एंड ओवल होगा, है ना, साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं करनी है। फिर बाइल स्टैंड होता है, ठीक है, सराउंडिंग बाई थिक ट्रांसलूसेंट शेल विथ एन आउटर एल्युमिनस कोट इन द फॉर्म ऑफ रिगोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, आउटर एल्युमिनस कोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैमिलेटेड एल्युमिनस कोट भी बोलते हैं इसको। फिर आउटर कास्ट इज समटाइम लॉस्ट, इसको डिकॉर्टिकेटेड एग बोलते हैं। अगर ये एल्युमिनस कोट चला जाता है तो इसको बोलते हैं डिकॉर्टिकेटेड एग। तो देखो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, और ये कोट नहीं होता है तो इसको बोलते हैं अपन डिकॉर्टिकेटेड एग। ठीक है, फिर एग कंटेन लार्ज अनसेगमेंटेड ओवम, जो इसका ओवम होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, और फ्लोट्स ऑन सॉल्ट, सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या, फर्टिलाइज्ड एंड कॉर्टिकेटेड एग है, ठीक है, कंसेंट्रिक स्पेस यहाँ पर पीछे मिल जाते हैं, अनसेगमेंटेड ओवम है और एल्युमिनस कोट प्रेजेंट है, तो ये वाला डायग्राम याद करना है। फिर अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या, एलोंगेटेड नैरो और लॉन्गर होता है। ठीक है, साइज इसकी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइल स्टैंड होता है, ठीक है, थिन एग सेल विथ एन इरेगुलर कोटिंग ऑफ एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसमें इरेगुलर कोटिंग ऑफ एल्ब्यूमिन होती है, वो वाली कोटिंग नहीं होती, एल्ब्यूमिनस कोट नहीं होता है। ठीक है, कंटेन स्मॉल एट्रोफाइड ओवम होगा, है ना, एट्रोफाइड ओवम है क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एट्रोफाइड ओवम प्रेजेंट होगा। ठीक है, हैवीएस्ट ऑफ ऑल हेलमिंथिक एग, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होता है तो इसलिए फ्लोट नहीं करता सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। सबसे पहले हैवीएस्ट ऑफ ऑल हेलमिंथिक एग और डज नॉट फ्लोट ऑन सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये एस्कैरिज का एग हो गया। फिर आता है एच नाना का एग, तो उसका साइज ये है, बाइल स्टेन नहीं होता है, दो डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन होती है जो कि उनको स्फीयर को कवर करके रखती है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन जो है थिन एंड कलरलेस है, इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस ऑनको स्फीयर विथ थ्री पेयर्स ऑफ हुकलेट्स। ठीक है, तो यहाँ सेंटर पे देखो तीन पेयर ऑफ हुकलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यही वाला डायग्राम जो है अपन को पेपर में बना के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ये दो मेम्ब्रेन हो गई है ना, इनर मेम्ब्रेन है वो थ्री पेयर ऑफ हुकलेट्स का, और नॉन बाइल स्टैंड है और फ्लोट करता है सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। अभी अपन एंड में याद करेंगे कौन करता है सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, कौन फ्लोट करता है, कौन बाइल स्टैंड होता है, ये दोनों चीज़ अपन याद करेंगे। तो ये वाला डायग्राम बना देना, अगर ये वाला डायग्राम सिमिलर देखे कि प्रैक्टिकल में वाला रखा हुआ है तो ये वाला डायग्राम बना के आना, इसके बारे में पूछा है। फिर आता है एंट्रोबियस। ठीक है, एंट्रोबियस का एसिमेट्रिक प्लानो कॉन्वेक्स एग होता है। ठीक है, ये बुक का डायग्राम है, देखो ऐसे दिखता है। ठीक है, नॉन बाइल स्टैंड होता है, कंटेन अ टेडपोल लाइक लार्वा सराउंडेड बाई ट्रांसपेरेंट शेल। ठीक है, टेडपोल लाइक लार्वा सेंटर में होता है और उसको चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट शेल उसको कवर करके रखता है। फिर फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्लोट करता है और नॉन बाइल स्टैंड है। इंस्टेड ऑफ स्टूल एक्स बेटर डेमोस्ट्रेटेड इन द मॉर्निंग पेरी एनल एनआईएस वेब। एनआईएस वेब एंट्रोबियस की वीडियो में बताया था, एनआईएस वेब से बेटर दिखता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टीनिया। टीनिया क्या स्फेरिकल होता है, साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइज ये है, बाइल स्टैंड होता है, आउटर शेल ट्रांसपेरेंट होगी, इनर जो होगा एम्ब्रियोफोर होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, थिक वॉल रेडियली स्ट्रिएटेड एंड ब्राउन इन कलर। ठीक है, इसमें ऑन्कोस्फीयर ये है एम्ब्रियोफोर। ठीक है, सबसे पहले बाहर है एक्शल, फिर उसके बाहर एम्ब्रियोफोर है, और सबसे अंदर होते थ्री पेयर ऑफ फुकलेट्स। ठीक है, थ्री पेयर ऑफ फुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये है टीनिया का एग। ये वाला अगर एग दिख जाएगा तो ये डायग्राम, अभी देखते हैं अपन को कौन सा प्रैक्टिकल में कौन सा रखा था। स्ट्रेंगुलर्स का जनरली एग नहीं रखा रहता है इसके बारे, क्योंकि तुरंत लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में देख लेना। फिर उसके बाद आता है ट्राइकोरिस टाइकोरा, तो ये वाला भी एग काफ़ी बार रखा रहता है, बैरल लाइक विथ प्रोट्यूबरेंट म्यूकस प्लग एट ईच पोल। ठीक है, बाइल स्टैंड होता है, कंटेन अनसेगमेंटेड ओवम रहेगा और फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बाइल स्टैंड है और सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन फ्लोट करता है। फिर एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल का अगर एग रखा हुआ दिख जाए तो उसमें ये ऐसा रखा होगा, तो ओवल एंड इलिप्टिकल शेप होता है, नॉन बाइल स्टैंड है, सराउंडिंग बाई हाइलिन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कंटेन सेगमेंटेड ओवम, सेगमेंटेड ओवम है। ठीक है, इसमें विथ फोर ब्लास्टोफोर्स। ठीक है, ये सेंटर में ब्लास्टोफोर देख रहे हैं, चार ब्लास्टोफोर देखेंगे तो मतलब किसका, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल का एग है। क्लियर स्पेस बिटवीन द एग शेल एंड सेगमेंटेड ओवम है। ठीक है, सेगमेंटेड ओवम है और चार ब्लास्टोमेयर्स हैं। फिर
फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सॉल सॉल्यूशन, फ्लोट भी कर रहा है और बायलिस्टिन नहीं है, ठीक है। तो ये एग ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये टाइकरेस का एग है, ये एंट्रोबियस का, एस्कैरिस का है ना, इफर्टिलाइज और इनफर्टाइल। फर्टिलाइज में देखो बाहर मेबिलियन कॉर्टिकोइड मेम्ब्रेन रहती है, इसमें नहीं रहती है। फिर हुकवर्म का, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल में कैसे दिखता है, तो प्रैक्टिकल में अपन को ये वाला डायग्राम रखा हुआ रहेगा, फिर अपन को उससे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये वाला एस्कैरिस का फर्टिलाइज एग है, ये अनफर्टिलाइज एग रखा हुआ है, ठीक है। फिर अब ये भी वही है, ठीक है। फिर ट्राइकोरिस में ये ऐसे एग लगा रखा रहता है, ठीक है। प्रोटूबरेंट म्यूकस प्लग जाए आगे की तरफ रहता है, बैरल शेप रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एग रखा रहेगा, तो ट्राइकोरिस ट्राइकोरा के बारे में लिखना है। और यहाँ पर अपन को चार ब्लास्ट ऑफ मेयर्स देखेंगे, तो अपन को समझ जाना कि एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल का है ना। अभी चार पाँच एग रखे हुए हैं, जैसे ट्राइकोरिस ट्राइकोरा एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल ये दो, फिर एक रखा हुआ है एस्कैरिस का और एक एचनाना का। ये चार एग, इन चार एग में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चारों एग के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये ट्रिक होती है बाइल स्टेंड एग की। तो टेट से याद कर लो, TAT, ट्राइकोरिस ट्राइकोरा, एस्कैरिस और टीनिया सोलियम, ठीक है। ये जो तीनों एग हैं बाइल स्टेंड, अपन ने सात एग पढ़े उनमें से ये तीन एग हैं वही बाइल स्टेंड है। ए से एस्कैरियसिस है, ठीक है। अपना एनसाइक्लोस्टोमा मत याद करना, एस्कैरिस है ए से, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं TAT, ये बाइल स्टेंड होते हैं। बाकी पूरी लिस्ट ये रखी है ना, ये पूरी लिस्ट अगर देखनी होगी हेलमेंथ्स में या पैरासाइट में कौन कौन से बाइल स्टैंड एग होते हैं, तो ये है इसकी फैट कैट ट्रिक है। अपन टेट बस याद करो, क्योंकि अपन को प्रैक्टिकल के हिसाब से टेट ही देखना है, ठीक है। तो ट्राइकोरिस ट्राइकोरा, एस्कैरिस और टीनिया सोलियम, ये होते बाइल स्टैंड, बाकी सारे नॉन बाइल स्टैंड। अब बारी आती है कि सैचुरेटेड सॉल सॉल्यूशन में फ्लोट कौन कौन करता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है द फेन, ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया, हाइमिनोफिलिस नैना एचनाना, ठीक है, एंट्रोबियस, फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइडिस। तो एस्कैरिस का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फ्लोट करता है, और जो क्या बोलते हैं अपना अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो डूब जाता है, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, नेकेटर अमेरिकानस, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसकी। तो कौन कौन से नहीं आए इसमें, एक तो टीनिया नहीं आया, ठीक है, टीनिया जो होता है वो डूब जाता है, और एक स्ट्रोंगिलाइड्स का है, ठीक है। तो बाकी सारे इसमें सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ्लोट करते हैं, ठीक है। थैंक